हेलो बच्चों, कैसे हो? अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा हाउ इट विल मूव, दैट इज इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी। वी हैव आल्सो डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन व्हेन body will hit the ground, what will be its speed and what will be its velocity. In this video we will continue our projectile motion. A body is projected at an angle theta with horizontal. यहाँ तक सब notebooks में भी कर लिया होगा, अब इसको और continue करेंगे। ये कुछ ऐसे topics हैं जो typical, थोड़े से typical माने जाते हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। इसी कैटेगरी के अंदर, इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, इज देयर एनी अदर पॉसिबल एंगल फॉर हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इट मींस, अगर हम किसी बॉडी को थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, लाइक जो बॉडी को रेंज मिलती है वो आर है, क्या यहाँ कोई और ऐसा एंगल हो सकता है जिसके साथ बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो बॉडी को सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिले, लाइक दिस। इस ग्राफ के अंदर दो कर्व बनाइए, जब थीटा एंगल से बॉडी को डाला हमने तो रेंज मिली आर। यहां एज्यूम कर लिया कि लाइक थीटा डैश बी अनदर पॉसिबल एंगल, let theta dash be another possible angle with which if a body is projected it will have same horizontal range. Now if it is possible then what will be its value? So our aim is to find the value of theta dash. जब body को हमने theta angle से डाला तो range कितनी मिली? R का formula derived था हमने last lecture के अंदर, R is equal to u square sine 2 theta by g. And again, range is same when body is projected with angle theta dash. इसमें कोई problem? Theta से project किया तो भी range आ, theta dash से project किया तो भी range आ। As these two are equal, so these two must be equal. Compare these two one. Use here sine 2 theta dash over g is equal to use here साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जी। यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, साइन भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा। वो तो सेम क्वेश्चन आ गया, थीटा एंड थीटा डैश आर सेम, इसको और सॉल्व करना है। आई कैन राइट दिस एज साइन 2 थीटा डैश इज इक्वल टू साइन 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी आती है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, उसको यूज कर लिया, इन दोनों में साइन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा और थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि बॉडी को थीटा एंगल से डालो या 90 माइनस थीटा से, दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएंगी। वन मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल, फाइंड अनदर पॉसिबल एंगल विद विच इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इट विल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वन मार्क क्वेश्चन होता है, थीटा 30 दे रखा आपको, तो अनदर पॉसिबल एंगल विल इक्वल टू 90 माइनस 30 60 डिग्री, मीन्स 30 से डालो या बॉडी को 60 से प्रोजेक्ट करो, दोनों केस में रेंज सेम मिलेगी। इसी आर्टिकल को और कंटिन्यू करते हैं, देखो अब दोनों केसेस के अंदर जो मैक्सिमम हाइट आ रही है दैट इज डिफरेंट, लेट इन फर्स्ट केस इट इज H1, इन सेकंड केस इट इज H2, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ H1 एंड H2? H1 मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन डाइव किया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, क्या आया था? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g,
Now, if body is projected at angle theta dash, that is 90 minus theta, then maximum height will be equal to u square sin square 90 minus theta over 2z. दोनों को डिवाइड करो, you will get h1 by h2 is equal to sin square theta over sin 90 minus theta cos theta होता है, तो ये बन गया cos square theta, that is tangent square theta. ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट वो भी इसी से रिलेटेड है. वी कैन सी टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स जर्नी ड्यूरिंग दिस वे एंड दिस वे, दिस टू विल बी डिफरेंट. सो लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इन फर्स्ट केस इज टी वन, टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकेंड केस इज टी टू, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टी वन एंड टी टू. वी हैव ऑल्सो डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या हम लाए थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, t1 was equal to 2u sin theta by z and in second case it will be equal to 2u sin 90 minus theta over g. g कैंसिल हो गया, 2u कैंसिल हो गया, sin 90 minus theta cos theta होता है and sin by cos tangent theta. So I can write here t1 by t2 that will be equal to tangent theta. तो बॉडी को अगर आप थीटा और 90 माइनस थीटा से डालोगे तो ये हाइट का रेशो आएगा, मैक्सिमम हाइट का रेशो. ये टाइम ऑफ फ्लाइट्स के अंदर रेशो आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड. एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर, वो 100 मीटर डिस्टेंस पर दूर जा गई थी, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइक दिस. सपोज ये 100 मीटर की डिस्टेंस पे कवर गया, जनरल बात कर रहे हैं, इसको आप रेंज आर बोल सकते हो. जो हाइट आएगी इन बिटवीन, जैसे यहां 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, ये कितनी बार आएगी, नेचुरल सी बात है. मैंने बॉडी को डाला, वो 25 मीटर की हाइट तक गई, कितनी हाइट तक, 25 मीटर की हाइट तक. 5 मीटर रास्ते में कितनी बार आएगा, 10 मीटर कितनी बार आएगा, 15 मीटर कितनी बार आएगा, सब हाइट दो दो बार आएंगी. ये देखो एक बार यहाँ आ गई एच, तो सेकेंड टाइम यहाँ आएगी. क्वेश्चन कैसे बनता है इसका, शो दैट, ये अलग से पूछे जाते हैं, शो दैट देयर आर टू ओकेजन्स व्हेन बॉडी विल बी एट द सेम हाइट. ये शो करो कि यहां ऐसे दो ओकेजन आएंगे, दो मौके आएंगे जब बॉडी की सेम हाइट होगी. So let us consider at any time t body is at height h. हमें ये प्रूव करना है इस h के लिए टाइम की दो वैल्यू बनती है. We know that s is equal to ut plus half at square. सॉल्व करेंगे इसको फॉर y डायरेक्शन, क्योंकि h y डायरेक्शन में है. h is equal to इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, u वेलोसिटी होती है इनिशियल, इसको रिजॉल्व करते हैं. u x कंपोनेंट होता है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा. तो u की वैल्यू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. माइनस का साइन कहां से लाया, अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू वाई डायरेक्शन में माइनस जी होती है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे. थोड़ा सा इन दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो. ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया. कभी ऐसी क्वेश्चन देखिए, कैसी क्वेश्चन, मैं लिखता हूं यहां.
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, टेंथ क्लास में बहुत सॉल्व करते हो, फेमस इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी यहाँ कांस्टेंट होता है कोई, ए बी सी तीनों ही कांस्टेंट होते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स, इनको सॉल्व करते थे हम लोग, रूट्स वैल्यू निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से, कुल मिला के जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू आती है, x की दो वैल्यू, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इन x. सिमिलरली इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन, आई कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू हाफ g, वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू माइनस u साइन थीटा, एंड c दैट विल बी इक्वल टू h. यहां आप लिख सकते हो, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, this equation is quadratic in t, so we will have two values of t time for one value of h. जब solve करूँगा तो time की तो दो value आएंगी, लेकिन h की तो एक ही value है, यही तो prove करना था. For one value of h, we are having two values of t. और ऐसी equations के अंदर sum of the roots निकालते थे, sum of the roots minus b by a. प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, हम सम ऑफ द रूट्स निकाल रहे हैं, माइनस बी बाई ए, बी ए था हमारे पास, माइनस निकाल मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, यू साइन थीटा ओवर ए, ए की वैल्यू कितनी है हाफ जी, सो आई विल राइट टू, टू यू साइन थीटा बाई जी, दिस सम ऑफ द रूट्स. अगर इस पिक्चर के अंदर शो करना है मेरे को कि टी वन एंड टी टू आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू. फर्स्ट टाइम जब h की वैल्यू मिलेगी अपने को, यहां o से लेकर a तक आने का टाइम, दैट इज t1. दोबारा से h की वैल्यू जब मिलेगी, मींस 0 से लेके b तक आने का जो टाइम होगा, दैट इज t2. आपको ये भी बताया गया कि जितना टाइम बॉडी ऊपर जाने में लेती है, उतना टाइम बॉडी नीचे आने में लेती है, मींस 0 से a का टाइम और b से r का टाइम, ये दोनों टाइम सेम होंगे, मींस इफ टाइम इंटरवल फॉर दिस वन इज टी वन, देन टाइम इंटरवल फॉर दिस वन विल बी आल्सो टी वन. यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टी टू, यहां से यहां तक आने में लगा टी वन, तो टाइम ड्यूरिंग द होल जर्नी, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ लाइट, एंड दैट विल इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, एंड वी हैव फाइंड टी वन प्लस टी टू, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स टू यू साइन थीटा बाय जी. अगर आप नोट्स को कंसर्न करो दोबारा से ध्यान से, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, दैट वाज आल्सो इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी. मैंने जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने के कई तरीके हैं, दो मेथड आपको वहां सिखाए थे, एक मेथड ये भी है, इससे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. तो ये पार्ट करना कब होगा अपने को, जब हमसे ये पूछा जाए शो दैट देयर आर टू ओकेजंस when body will be at the same height. एक दो क्वेश्चन और आते हैं माइंड के अंदर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ही. लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट और रेंज के अंदर क्या रिलेशन होता है, h मैक्सिमम ओवर r, दैट वाज इक्वल टू tan थीटा बाय 4. इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, then r is equal to 4 times of h maximum. अब जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको समझने का ज्यादा है. हमारे पास एक बॉडी है, मेरे दो एम हो सकते हैं, क्या कि मैं इस बॉडी को इस तरह से फेंकूं कि वो मैक्सिमम रेंज अचीव करे, मैक्सिमम रेंज अचीव करे. इन दैट केस आई विल प्रोजेक्ट द बॉडी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. मेरा ये भी तो एम हो सकता है इस बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करूं कि इट विल हैव मैक्सिमम हाइट. अगर मेरे को बॉडी की मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हम बॉडी को कैसे डालेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए इट शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मींस थीटा शुड बी 90 डिग्री. ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. देखो किसी बॉडी को हम ऐसे डालते हैं
बॉडी ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर आएगी और फिर वापस नीचे आएगी। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज जीरो। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग यहां से लेके मैक्सिमम हाइट के लिए, यहां एच मैक्सिमम ले रहा हूं, मेरा ए भी बॉडी को मैक्सिमम हाइट देना है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, यू स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू अपवर्ड मोशन है एक्सेलरेशन माइनस जी, एंड एस इज एच मैक्सिमम, यू विल गेट माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय टू जी, u square by 2g and u square by g किसका फार्मूला था, अबे नोट्स कंसर्न करो, लास्ट लेक्चर के अंदर आया था, u square by g was formula of r maximum, I can write h maximum is equal to r maximum over 2, yeah, r maximum is equal to twice of h maximum। मैक्सिमम कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को यहाँ पर, यहाँ मैंने लिखा है आर फोर टाइम्स एच मैक्सिमम के, यहाँ लिखा है टू टाइम्स एच मैक्सिमम के, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इस पार्ट के अंदर मेरा एम ये था कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे बॉडी, मेरे पास बॉल थी, मैंने बॉल को डाल दिया 45 एंगल से 100 मीटर दूर, 100 मीटर की डिस्टेंस पे जाएगी। जब बॉल 100 मीटर की डिस्टेंस पे गई, 100 मीटर की डिस्टेंस पर, उस समय जो हाइट आएगी वो कितनी होगी 25 मीटर, ये बोलता है रिजल्ट हमारा। अब अगर उसी बॉल को उतनी वेलोसिटी से मैं ऊपर की तरफ डालता हूं, मेरे को मैक्सिमम हाइट चाहिए, हाउ कैन हाई आई कैन थ्रो द बॉल, मैं उस बॉल को कितनी हाइट तक पहुंचा सकता हूं, वहां ये फार्मूला आएगा आपके पास, जो हाइट मैक्सिमम आएगी आर मैक्सिमम का टू, मीन्स 50 मीटर की हाइट तक पहुंचा सकता हूं। इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर दोबारा से थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं मैं यहां पर, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या किया, दो मिनट के अंदर सारा का सारा रिवाइज कर लेंगे। मैंने जैसे आपको बोला एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के ऊपर 100% आता है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो किसी स्कूल में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो। प्रोजेक्टाइल बोलते हैं किसी भी फेंकी गई वस्तु को, किसी को भी फेंक दो, कैसे ही फेंक दो। फेंकने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से, एक बॉडी को हम लोग हॉरिजॉन्टली डालते हैं जमीन के पैरेलल, और दूसरा एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टली डालते हैं, हॉरिजॉन्टली के अंदर ये वाला केस बना था, किसी हाइट पर खड़े होकर डाला था हमने ऐसे जमीन के पैरेलल, तो बॉडी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। इस आर्टिकल के अंदर ये प्रोजेक्टाइल का हमारा फर्स्ट वीडियो था, प्रोजेक्ट इस आर्टिकल के अंदर हमने फिर निकाला इसके टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन, कि यहाँ से यहाँ तक आने में वो टाइम कितना लेगी, फिर निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन कि वो कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगी, एंड लास्ट वन वाज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, कि किसी भी मोमेंट पर बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है। फिर सेकंड केस आया व्हेन बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। कई स्टूडेंट दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आ गया बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ये तीनों पार्ट्स दोनों आर्टिकल्स में आते हैं, इसमें भी आते हैं और इसमें भी आते हैं, ये वाला सॉल्व कराते हैं। आप क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ो, न्यूमेरिकल्स करोगे उनको भी ध्यान से पढ़ो, बॉडी को प्रोजेक्ट कैसे किया है, हॉरिजॉन्टली या एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, थीटा विद मे बी विद वर्टिकल। तो इस केस के अंदर भी हमने सबसे पहले नेचर ऑफ पाथ को स्टडी किया, करने के मेथड दोनों के सेम थे, हॉरिजॉन्टल रेंज से पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाला, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन निकाला। दोनों के फार्मूले डिफरेंट आते हैं, दोनों के फार्मूले डिफरेंट आते हैं। जब हम ये वाला आर्टिकल कर रहे हैं तो ये करेंगे तो गलत होगा, और जब ये वाला पूछा एग्जाम में किसी न्यूमेरिकल में ये वाला केस है उसके फार्मूले अप्लाई करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकाला, फिर हाइट और रेंज के अंदर रिलेशन निकाला, वो रिलेशनशिप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आते हैं, थ्योरी के अंदर काम पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद वेलोसिटी एट एनी टाइम टी निकाला हमने, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी थर्ड पार्ट के अंदर था। फिर कहा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट
find an expression for velocity of the body projected at an angle theta with horizontal when body will hit the ground. जब ये बॉडी जमीन को हिट करती है उस समय कितनी वेलोसिटी होगी. यहाँ आपको बताया कि बॉडी की स्पीड तो सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो जाती है. ये 5 मार्क्स में कवर हुआ. फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल के अंदर आर्टिकल किया हमने कि इज देयर एनी अदर पॉसिबल एंगल फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. यस, ये रिजल्ट 1 मार्क्स में काम आता है और 3 मार्क्स में क्वेश्चन काम आता है कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा दीज आर टू पॉसिबल एंगल्स फॉर हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज तो सेम है, रेंज का रेशो कितना आएगा 1:1 क्योंकि दोनों के अंदर रेंज सेम है लेकिन दोनों के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट है. उनका रेशो क्या आया था टेंजेंट थीटा और मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या आया था h1/h2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. फिर इसके बाद का एक और अलग से पार्ट बना लिया हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर कि रेंज सेम थी, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट था, मैक्सिमम हाइट भी तो डिफरेंट है तो दोनों की मैक्सिमम हाइट्स के अंदर क्या रेशो आएगा जब थीटा से डाला और 90 माइनस थीटा से दैट वाज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा. फिर इसके बाद एक और आर्टिकल दिया हमने लास्ट में वाला. ये भी सिर्फ न्यूमेरिकल्स में काम आता है. कहाँ यहाँ खास ध्यान देना है जब बॉडी को आप मैक्सिमम रेंज लेने के लिए फेंकते हो तो उस समय जो हाइट आएगी वो मैक्सिमम रेंज का जब बॉडी को हमने मैक्सिमम रेंज लेने के लिए डाला उस समय जो हाइट आएगी वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होती है. लेकिन उसी बॉडी को अगर हम मैक्सिमम हाइट लेने के लिए डालते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो जो रेंज आ रही थी उसके हाफ के इक्वल होती है. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर तो बोलो. और यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन कौन से निकल सकते हैं. वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन से निकलते हैं थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है. पार्ट यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं. ये देखो हमने एक बॉडी को u वेलोसिटी से डाला था. यहाँ u ये थीटा एंगल था और ये u cos थीटा और ये u sin थीटा. बट when it hits the ground speed of this body is again u. This angle was beta and equal to minus theta. यहाँ भी अगर हम u को रिजॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको. x एक्सिस के अलॉन्ग u cos थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग u sin थीटा. अब हमसे ये पूछे पूरे मोशन के दौरान x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ. इनिशियली u cos थीटा थी, फाइनली भी u cos थीटा है. इट मींस चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू 0. कोई डाउट इसके अंदर. Now, change in velocity along y direction, that will equal to, पहले इधर थी u sin theta, अब इधर u sin theta. Means, if this direction is positive, this direction will be negative. So, u sin theta minus u sin theta, that will equal to 2u sin theta. अब अगर हमें निकालना हो, change in momentum during the whole motion along x direction, that will be equal to 0. क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम में चेंज क्यों होगा. और ऐसे ही चेंज मोमेंटम निकालना हो वाई डायरेक्शन के अलोंग तो दैट विल इक्वल टू एम यू साइन थीटा. यहां तक जो आपको करवाया बताया प्रोजेक्टाइल का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हो समझ के किसी बुक से कोई न्यूमेरिकल उठा लेना सब सॉल्व कर पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए फर्स्ट स्टेप ही होता है अपने को थ्योरी समझ में आनी चाहिए. बिना थ्योरी के फार्मूले कैसे रटेंगे और रट भी लिए तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स कर पाओगे आप. तो पहले ही अच्छे से करो. नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे इस प्रोजेक्टाइल के चैप्टर के ऊपर. और लास्ट में जैसे हर बार करते हैं समझ में सब आ गया हो तो लाइक भी करना है. जो प्रॉब्लम आती है कमेंट के अंदर कमेंट छोड़ो समझ में आया है या नहीं आया जो भी जैसा भी लगा उसको कमेंट के अंदर जरूर लिखो. और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.